राजस्थान में इन दिनों सियासत जोरों पर है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ किरोड़ी लाल मीना जिनके इस्तीफे को लेकर चर्चा, दूसरी तरफ विपक्ष हैं जो मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग कर रहा है। जिस तरह से मदन दिलावर के जो बयान जो चर्चा में रहते हैं लगातार, जो आदिवासी नेता है राजकुमार रोत हो या फिर विपक्ष, उन्होंने लगातार खूब मदन दिलावर पर आदिवासियों को लेकर कटाक्ष किया था। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है मुनीष जी अरोड़ा और भारत जी शर्मा, जिनसे हम बात करेंगे इस सियासत को लेकर क्या सोचते हैं। सर, जिस तरह से लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है, जिस तरह से राजकुमार रोत और जो दूसरे नेता हैं लगातार विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है। देखिए, जो रोत मांग कर रहे हैं उसके पीछे पूर्णतः एक राजनीति है। आदिवासी बेल्ट में जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बाप ने और पहले बीटीपी ने खराब की थी, उससे दोनों ही पार्टियों की हालत ख़राब है। और राजकुमार रोत कोई भी ऐसा मुद्दा जो है उसको कैश करना जानते हैं। बीटीपी के से वो छोड़ के आए थे बाप में, और उसमें आने के बाद उन्होंने अपना एक वर्चस्व बनाया, एमएलए जीते, एमपी जीते, और जिस तरह से सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी 240 पे अटकी, तो उनको भी, भारतीय जनता पार्टी को भी बाप की ज़रूरत है कि किसी तरह से एक सीट मिले तो उनका वोट परसेंटेज बढ़े। तो वो ये अपनी अहमियत को जानते हैं, और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि जब इस तरह की स्थितियाँ होती हैं तो जो रूलिंग पार्टी है उसको कई समझौते करने पड़ते हैं। तो आज जो मदन दिलावर पे हमला कर रहे हैं डीएनए को लेकर के, उसका संदर्भ कुछ और था। जब संदर्भ चेंज किया जाता है तो इस तरह की बातें होती हैं। जैसे संविधान बदल देंगे कांग्रेस ने कहा, जबकि यह संदर्भ जयपुर से उठा था और खड़गे की रैली से उठा था। खड़गे ने यह कहा था कि ये 400 इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से क्लेरिफिकेशन नहीं कर सकी और जनता में सही बात को नहीं ले जा सकी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसी तरह से बाप के राजकुमार रोत एक जो माहौल बना रहे हैं मदन दिलावर के खिलाफ, वो ही रणनीति है। उस रणनीति के तहत, क्योंकि आदिवासी बेल्ट में जो मुद्दा चला था, बिलिस्तान का मुद्दा हो या आदिवासी हिंदू नहीं है, इस सब के पीछे एक तगड़ी राजनीति है, वोटों की राजनीति, और बाप उस चीज़ को कैश करने के लिए, इस तरह का प्रेशर बनाने के लिए और एक लगातार खबरों में रहने के लिए इस तरह का माहौल बना रही है। और हिंदू है या नहीं है इस पे अपनी बहुत पहले भी बहस हो चुकी है, आदिवासी परंपराओं पे अपनी बहस हो चुकी है, उनका डीएनए हिंदू से जुड़ता है, इस बात को लेकर डीएनए एक अलग चीज़ है। डीएनए बॉडी का एक पार्ट है जो ये बताता है कि आप ह्यूमन बीइंग है, मगर उसकी जो सामाजिक प्रणाली है, उसका जीवन का जो हिस्सा है, वो जिस तरह से जीवन जीता है, वो जीवन जीने की जो पद्धति है वो हिंदुत्व से मिलती है या नहीं मिलती, क्या आदिवासियों की जो पूजा की पद्धति है, उनके जन्म के समय जो संस्कार किए जाते हैं, जिस तरह से वो देवरों पे जाते हैं, भैरू जी को मानते हैं, माता जी को मानते हैं, या अन्य पूजा पद्धति को अपनाते हैं, या जो संस्कार करते हैं वो विनेश्वर पे जाकर करते हैं, या और अंतिम प्रवाह करते हैं अपने फूलों का, और जो गवरी होती है जो अपने इस बेल्ट में होती है, उसमें सब में हिंदुत्व की छाप है, इससे मना नहीं किया जा सकता। अब क्योंकि कंसोलिडेशन की बात हो रही है, वोटों को कैसे कंसोलिडेट किया जाए, क्योंकि भारतीय बाप पार्टी जो अपना अस्तित्व बना रही है वो ये कह के बना रही है कि वो आदिवासियों की पार्टी है, जबकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उस मिथ को तोड़ने में अभी तक नाकामयाब हुई हैं। वो पूरी तरह से ये नहीं समझा सक रही कि आज तक जो इतना डेवलपमेंट हुआ है वो कांग्रेस ने किया या भारतीय जनता पार्टी ने। बाप का तो उदय ही अभी 2-4-5 साल हुए, इससे पहले तो कहाँ थी, ना बीटीपी थी ना बाप थी। तो राजनीति का जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, उस मूल तत्व को राजकुमार रोत समझ रहे हैं और इसलिए वो इस डीएनए वाली बात को उठा रहे हैं। जबकि मुद्दा था क्या राजकुमार रोत बीटीपी छोड़ के आए और बाप बनाई, वो डीएनए उनका क्या है, वो बार बार पार्टियां बदल रहे हैं, उस संबंध संदर्भ में था, और उस संदर्भ को उन्होंने पूरे आदिवासी पे ले गए।
तो जैसे अभी राहुल गांधी का हिंदुत्व के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया, जबकि वो संदर्भ किसी और था और वो संदर्भ बदल के कहीं और चला गया। तो राजनीति में ये बातें होती रहती है, कॉमन चीज़ें हैं, जनता समझती है, मगर ये कहने में हम कोई गुरेज नहीं करेंगे कि राजकुमार रोत बहुत अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, आदिवासियों में उनकी पकड़ है और वो बहुत अच्छा माहौल बना रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के। अब क्या सेंट्रल के प्रेशर में मदन दिलावर को लाया जाता है कि नहीं लाया जाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को रिक्वायरमेंट है सेंट्रल में बाप की एक सीट बढ़ती है तो, और उनकी मुलाकात भी हुई है ऊपर, और यहाँ पर राज्य स्तर पर भी उनके जो उच्च अधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के उनसे भी बात हुई है। तो ये आने वाला समय बताएगा, मगर हाँ ये मुद्दा चलेगा और राजकुमार रोत इसको भुनाने की कोशिश करेंगे, मेरा ये मानना है। लगातार विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है, सर क्या लगता है, क्योंकि जो मदन दिलावर है उनके पक्ष में न तो CM का कोई बयान आया न प्रदेश अध्यक्ष का इस तरह का कोई बयान आया। अभी देखिए बाप की जो सीटें हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं, इस्तीफे की मांग करना एक अलग बात है, मांग तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, मगर उसका प्रभाव कितना है, कितना प्रभावी रूप से वो इफेक्ट डाल सकते हैं माहौल बनाने के लिए अलग। अब कांग्रेस 99 के साथ है मगर पूरे विपक्ष को लेकर साथ में चल रही है इस समय, इंडिया गठबंधन के साथ है, तो वो एक अलग इफेक्ट डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें तो होंगी जब राजनीति में कोई काम करने आया वो अपना अस्तित्व जमाना चाहता है, वो लड़ना चाहता है, तो ये मुद्दे लाएगा। अब क्या इसकी वजह से क्या इस्तीफा देंगे मदन दिलावर, ये डिपेंड करता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उसको सीरियसली लेती है कि नहीं लेती। सबसे बड़ी बात है सीरियसली क्या है, उसके इफ़ेक्ट कितने हैं और उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, उनको कितना सीरियस लेती है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो 272 की रिक्वायरमेंट है उनको बाप की ज़रूरत है क्या वहाँ पे? और भी जो पार्टियों से उनकी बातें चल रही हैं तो वो कितनी इफेक्टिव है, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है और वही चीज़ मुद्दा रखेगी आगे जाके कि बाप की अगर रिक्वायरमेंट भारतीय जनता पार्टी समझती है तो इनको सीरियसली लेगी, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं है। अब बताएं जिस तरह से लगातार विपक्ष मदन दिलावर पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरह से कह चुके हैं कि इस्तीफा दे, लेकिन उनके पक्ष में मदन दिलावर के पक्ष में न तो CM का कोई बयान आया न CP जोशी का बयान आया, बल्कि जो राजकुमार होते हैं वो DNA टेस्ट की बात कर रहे हैं। जी राजेश जी, देखिए ऐसा है कि मदन दिलावर जी का जो बयान आया है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमारे देश का संविधान क्या कहता है। इस देश के संविधान ने हर वर्ग को हर समाज को अपने हिसाब से जीने की छूट दी है, लेकिन मदन दिलावर जी ने जिस तरीके का बयान दिया, ऐसे बयान कोई नई बात नहीं है, भाजपा के कई नेता पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं जिनमें किरोड़ी लाल मीणा भी हैं और अन्य नेता भी हैं, और अगर वर्तमान में देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने भी इन लोकसभा चुनाव में ऐसे कई अनर्गल बयान दिए हैं जिसका खामियाजा भुगता गया है। अब सवाल ये है कि शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है, मेरा ये मानना है कि वो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, उनको ऐसे किसी समाज के लिए ऐसे उल जुलूल बयान देने के बजाय देश की से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किस तरह से बेहतर हो, बच्चों का भविष्य किस तरह से उज्जवल हो, इन चीज़ों पर बेहतर ध्यान देना चाहिए, न कि इस पर कि कौन नेता क्या कह रहा है, किसी के समाज पर क्या कहना है, ये सारी अनर्गल बातें हैं। और जैसे बयान इस तरीके से सामने आ रहे हैं राजस्थान के अंदर, देश में भी आए थे, जिसका खामियाजा भाजपा ने भुगता है। और मेरा ये मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश में सावधान नहीं रहे और इसी तरीके के अनर्गल बयानबाजी करते रहे तो इनका खामियाजा आगे भविष्य में भी इनको भुगतना पड़ सकता है। पर सर इस्तीफे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं ना, इस्तीफे पर विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, दूसरी तरफ राजकुमार रोत और जो आदिवासी नेता है वह DNA टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं, एक बार तो उन्होंने कहा था कि हम DNA CM और उनके घर तक भेज पहुँचा। देखिए ऐसा है कि इस तरीके के बयान होते रहते हैं, लेकिन सच ये कि किसका DNA करवाना किसका नहीं करवाना ये एक अलग विषय है। सच ये है कि मदन दिलावर जी ने जो बयान दिए हैं वो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, और मेरा ये मानना है कि उनको इस तरह के अनर्गल बयान किसी समाज विशेष पर करने की बजाय, किसी आसीवासी पर करने की बजाय, उनको प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किस तरह से बेहतर हो, आदिवासी बच्चों का भविष्य किस तरीके से उज्जवल हो, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ ये सच है कि इस तरीके के बयान लोकसभा चुनाव में भाजपा के कई बड़े नेताओं के भी आए थे जिसका खामियाजा उनको
बड़े लेवल पर भुगतना भी पड़ा है और नतीजा आपके और हमारे सबके सामने है। जी सर, राजेश जी आप एक बात कह रहे हैं कि सीएम के बयान नहीं आए या और लोगों के बयान नहीं आए, अगर इन लोगों के बयान आते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को और हवा दी जा रही है, माहौल और बनेगा। तो राजनीति में जो लोग परिपक्व लोग हैं वो अगर इस तरह की बात होती है तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते ताकि उस माहौल को और गर्म नहीं किया जाए। अगर इस तरह के बयानों पे अगर सीएम प्रतिक्रिया देंगे या और लोग देंगे तो माहौल गर्म होगा और जो माहौल गर्म होगा तो फिर जो राजकुमार रोते हैं वो अपनी रणनीति में सफल होंगे। तो मेरा ये मानना है कि सीएम का बयान ना आना एक सोची समझी रणनीति है या अन्य लोगों की रणनीति है जो इस मामले को और तुल नहीं देना चाहते। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुनीष जी अरोड़ा और भारत जी शर्मा, जिन्होंने जो बात थी, क्योंकि जिस तरह से देश में प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है, मदन दिलावर जिन पर चर्चा और जो आदिवासियों के बयान पिछले कई समय से जो मदन दिलावर है सुर्खियों में है, एक तरफ उनका बयान, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग करता रहा है। टीवी 9 के लिए राजेश डांगी।